नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज में हूँ आपके साथ कंचन सिंह राजपूत। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। संस्कारधारी जबलपुर में वैसे तो कई बार संस्कारों की मिसाल देखने को मिलती है। संस्कारधारी जबलपुर में हिंदू और मुस्लिम दोनों ही मिलजुल कर रहते हैं, एक दूसरे के अच्छे और बुरे वक्त में एक दूसरे का साथ निभाते दिखाई देते हैं। इस बार भी ऐसा ही सामने देखने को मिला है, जहां शासकीय वृद्धा आश्रम में मुस्लिम महिला गुलचन बी की बीमारी के कारण अचानक मौत हो गई, जिसके बाद शासकीय वृद्धा आश्रम प्रबंध द्वारा मामले की सूचना मोक्ष संस्था के समाजसेवी आशीष ठाकुर को दी गई, जिसके बाद वो और उनकी टीम मौके पर पहुंची और वृद्ध महिला गुलशन बी का अंतिम संस्कार पूरे रीति रिवाज के साथ किया गया और मुस्लिम महिला गुलशन बी का शव सुपुर्द खाक किया गया। इस मौके पर मोक्ष संस्था के साथ साथ स्थानीय मुस्लिम भाई और महिलाएं जनाजे में शामिल रही। संस्कारधारी जबलपुर में इस तरह की मिसाल है कई बार देखने को मिलता है। संस्कारधारी हमेशा से ही ऐसे समाज सेविकियों जो कि जाति धर्म के ऊपर उठकर समाज सेवा के क्षेत्र में काम करते हैं उनके कारण गौरवान्वित होती है। वही मोक्ष समाज के आशीष ठाकुर ने बताया है कि मोक्ष संस्था द्वारा पीड़ित मानवता की सेवा के लिए हमेशा से ही प्रयास किया जा रहा है। आज वृद्ध आश्रम से सूचना मिली थी कि एक वृद्ध महिला की मौत हो गई, जिसके बाद संस्था की टीम और वे खुद मौके पर पहुंचे और स्थानीय मुस्लिम भाइयों के सहयोग से महिला के शव को पूरे रीति रिवाज के साथ सुपुर्द खाक किया गया। बीते कई वर्षों से मोक्ष संस्था द्वारा जबलपुर शहर में लावारिस शव अंतिम संस्कार निस्वार्थ भाव से किया जाता है। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। जी भैया, कल एक महिला को कब्रिस्तान में दफन किया गया, क्या हम मोक्ष के माध्यम से सेवाएं देते हैं और हमें कल दो जगह सूचनाएं प्राप्त हुई थी मृतकों की। इनमें से हमने उनके एक अंतिम संस्कार का एक हिंदू रीति रिवाज से पन्ना निवासी महिला थी और वृद्धाश्रम में गुलशन बी करके थी जो लगभग 65 वर्ष की थी, और शाम को सूचना मिली कि उनका देहांत हो गया है, और जिसकी सूचना वृद्धाश्रम के माध्यम से प्रशासन के माध्यम से हमारे पास आई और हमने उनका शव ले जाके एक पुत्र धर्म निभाते हुए कब्रिस्तान में उनके मुस्लिम धर्म रीति रिवाज के अनुसार हमने उनका कफन दफन कब्रिस्तान में किया। कहाँ की रहने वाली थी ये बुजुर्ग? ये इनकी जो जानकारी प्राप्त होती है कुछ वर्षों से तो ये वहाँ रह रही थी आपके वृद्धाश्रम में रेडक्रॉस समिति के, इसके पहले मेडिकल में कुछ समय के लिए कुछ वर्षों के लिए एडमिट थी और मेडिकल के द्वारा उनको वहाँ रेफर किया था। बाकी विशेष जानकारियों के लिए हमने प्रयास किए, क्योंकि घटना भी कल की है तो जानकारी हम ले रहे हैं कि उनके परिजनों की और कोई जानकारी मिले तो उन्हें सूचित किया जाए। तो ये प्रशासनिक स्तर पर हमारे स्तर पर भी प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि वृद्ध भी थी, बीमार भी थी और शव इंतजार करता काफ़ी समय के लिए, तो प्रशासन ने हमने निर्णय लिया कि हम उनका विधिवत अंतिम संस्कार करा दिया जाए, जिनको हम ले जाकर हम सारे सहयोगियों ने, हमने मुस्लिम भाइयों को भी सहयोग लिया, उनको ले जाकर उनका कफन दफन सपुर्द खाक हमने कब्रिस्तान में सुपरतान में किया। अभी के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।